हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि बॉयज़ का जो एडमिट कार्ड है, PET एडमिट कार्ड जो है, वो रिलीज कर दिया गया है, कल रिलीज कर दिया गया। अब क्या दिक्कत आ रही है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके बहुत सारे ये कमेंट्स थे, हमने रात को आपके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड भी करी थी, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो आपको ये टेंशन नहीं होगा आपका जो भी ये मतलब इशू आ रहा है उसको लेकर। लेकिन जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों ऐसा शो नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्यों नहीं आपका एडमिट कार्ड जो है वो ओपन हो रहा है। जैसे कि आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर रहे हो, या और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके गेट डिटेल्स पर क्लिक कर रहे हो, तो आपके सामने कुछ ऐसा जो है पेज ओपन हो रहा है। मतलब कि बोल रहा है, नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन, नो DOB, प्लीज एंटर करेक्ट रजिस्ट्रेशन नो एंड डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड DOB जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप जो है अपना करेक्ट नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करिए, ये वैलिड नहीं है। तो अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मतलब लेकर परेशान है, हम तो DBPhD में पास हो गए, तो फिर हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या कि हमारा DOB एंड रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है और पहले सही था। तो अब इसको लेकर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से उन्होंने ये सपना देखा कि हम UP पुलिस में बने, और ये दिक्कत उनके सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस DOB फिलअप कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने भी कुछ ऐसा पेज ओपन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको ये भी बताने वाले हैं। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि मान लो दो लड़कों के जो था एक ही साथ हुआ, लेकिन उनका एडमिट कार्ड आ गया है और एक कार्ड नहीं आया, तो फिर क्यों नहीं आया है, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए हमने आपको रात को भी बताया था, और देखिए इस बारे जो है पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे लड़कों का अभी जो है DBPhD होगा, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, होगा वो भी 5 जनवरी तक, ठीक है। तो उन लड़कों का भी तो अभी एडमिट कार्ड आना बाकी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है रिलीज नहीं करा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, और ये आपकी गलती नहीं, ना ही आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है और ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपको बहुत टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स को जो है एडमिट कार्ड जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। तो अभी आपका नहीं आया है, तो फिर ये आपका मतलब शो होएगा, ठीक है, कि मतलब कि जब आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो फिर आप डाउनलोड क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी गलती नहीं है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है एडमिट कार्ड मतलब जो है अपलोड नहीं करा गया है। और देखिए, आपको पता होगा मतलब बेतरीके से जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि एक ही दिन हुआ और इसका आ गया और हमारा नहीं आया, क्यों, तो बेतरीके से ये बोले जाए ना कि आपका जो मतलब कंप्यूटर उन्होंने जब अपलोड किया है तो कंप्यूटर बेतरीके से जो है आपका जो भी है आपका अपलोड कर दिया गया है। लेकिन आपको आई सजेस्ट कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी रिलीज नहीं किया है। लड़कियों में क्या था ना कि लड़कियों का मात्र 10,000 प्लस 10,600 प्लस जो लड़कियों को जो है बुलाया गया था, और उनका दौड़ एक ही दिन होना था, मतलब कि 28 दिसंबर को, कल, ठीक है। और देखिए, लड़के जो है वो बहुत सारे हैं, और उनका दौड़ जो है अलग अलग दिन किया जाएगा, ये नहीं कि उनका दौड़ तो एक दिन में पूरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार में भी तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा ना, अभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आ गया है, तो बस आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है दौड़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो कि आपको उस पर जो है उसे फॉलो करेंगे तो आप दौड़ में कभी भी फेल नहीं होंगे।
ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है हम दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कुछ, मेरा मेन मकसद यही था वीडियो बनाने का कि अगर आपका मान लो ऐसा शो हो रहा हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा वेट करो, ठीक है, बस थोड़ा वेट करो, आपका एडमिट कार्ड भी जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और मतलब लड़कियों का जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था वहीं से आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया भी है, तो फिर एक ही बात बताने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सिंपली जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एडमिट कार्ड का, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आपके भी आएंगे हम आपको बता देंगे। और देखिए, मेन और रीज़न एक और भी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट सही डेट का ना होने के कारण, ठीक है, उनको जनरल या फिर अदर स्टेट में डाल दिया गया, कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपका एडमिट कार्ड आए दौड़ के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप जनरल में जाओगे तो आपका मेरिट भी जनरल के अकॉर्डिंग करा जाएगा, बनेगा, और आपके मार्क्स उसके अराउंड नहीं होंगे तो फिर आप कैसे दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जनरल में अगर आपको कर दिया गया है तो आपका मेरिट जनरल के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर आपका मार्क्स उतना ज़्यादा है तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, वरना नहीं बुलाया जाएगा। ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार ऐसा ही होता है लड़कियों को केस में, जो है ऐसा ही हुआ, जिन लड़कियों को जनरल कैटेगरी में कर दिया गया उनका जो है दौड़ के लिए नाम नहीं आया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो में बस यही बताया कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है, और वेट करो, थोड़ा थोड़ा और वेट कर लो, आपका एडमिट कार्ड आएगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस वीडियो पर आपको ऑफिशियली आपके सिलेक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद। प्लीज़ अपने दोस्तों को जो भी हैं, भाई बहन मित्र, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।